मंगलवार को जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने सरमथरा उपखंड के आंगई व रहरई पंचायत में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को पाबंद किया। जनसुनवाई में रसद विभाग के अधिकारी नदारद देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। कलेक्टर ने DSO गजेंद्र शर्मा को दूरभाष पर फटकार लगाते हुए आधा घंटे में शिविर में हाजिर होने की नसीहत दी। जनसुनवाई के दौरान सबसे अधिक शिकायत राशन वितरण से संबंधित मिली, जिनका DSO ने शिविर में पहुंचकर निस्तारण किया। आंगई में जनसुनवाई के दौरान सबसे अधिक शिकायत आम रास्ता, सरकारी भूमि, खेल मैदान, कृषि भूमि के रास्तों पर अतिक्रमण की शिकायत देखकर कलेक्टर ने आबादी में पंचायती राज व सरकारी भूमि से तहसीलदार को तुरंत अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया। कलेक्टर के तेवर देख ग्राम विकास अधिकारी व हल्का पटवारियों ने हरकत में आते अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। जनसुनवाई में शिकायत के बाद तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों के एक्टिव होने पर लोगों ने कलेक्टर की तारीफ की। कलेक्टर ने कब्रिस्तान की विवादित भूमि का निरीक्षण कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को समाधान करने का आश्वासन दिया। आंगई निवासी राधेश्याम पारासर ने हर घर नल योजना के अंतर्गत गांव में पानी की पाइप लाइनों के बिछाने के कारण गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त होने की शिकायत की। ग्रामीणों की शिकायत सुनकर कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों को 15 दिन में दुरुस्त कराने के लिए पाबंद किया। आंगई के ग्रामीणों ने बिजली समस्या बताते हुए आंगई फीडर को अलग कराने की मांग की। कलेक्टर ने ASI को ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। DM ने सरमथरा पंचायत समिति का दर्जा मिलने के एक साल बाद भी पोर्टल पर इंद्राज नहीं होने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से वार्ता की तथा तुरंत समस्या का समाधान करने के लिए निर्देशित किया। आंगई निवासी रिंकू गोस्वामी ने भू माफियाओं से भयभीत होकर DM से सुरक्षा की गुहार लगाई। DM ने लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं जन सुनवाई का अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर CEO चेतन चौहान, ADM सुदर्शन तोमर, SDM मनीष जाटव, ASI BL शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बसेड़ी के दो बच्चों के सिर से उनके पालक का साया छिन गया। ऐसे में उनकी परवरिश की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत बिपरपुर के मुगरबारा निवासी 60 वर्षीय वृद्ध नाना नानी संभाल रहे हैं। माता पिता खो चुके मासूम को भी अन्य बच्चों की तरह भाई के अवसर मिले, इसके लिए शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं शेरपुर स्कूल के अध्यापक राजेश शर्मा अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए सामने आए हैं। उन्होंने गुरुवार को 11 वर्षीय सनी कुशवाहा का शेरपुर स्कूल में एडमिशन कर सनी के नाम से बैंक में 11,000 की राशि फिक्स डिपोजिट में जमा कर उनके शेरपुर स्कूल में पोस्टग्रेजुएट रहने तक पढ़ाई का संपूर्ण खर्चा उठाने का संकल्प लिया है। शिक्षक नेता राजेश शर्मा ने बताया कि छात्र सनी अपने नाना के साथ कक्षा 6 में एडमिशन लेने आया तो उसकी पीड़ा को सुन मन विचलित हो गया। ऐसे में मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे भी माता पिता दोनों को खो चुके इस बच्चे के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। इसी के तहत स्कूल बैग, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, शूज, शिक्षण सामग्री तथा बैंक में 11,000 की FD कराकर सनी के नाना जगमन सिंह को सौंपी। इस मौके पर उपस्थित पंचायत समिति सदस्य नत्थीलाल ने कहा कि विद्यालय के प्रधान अध्यापक राजेश शर्मा ने बीते सालों में स्कूल की काया पलट कर पहले स्कूल को अपनी तनख्वाह से ट्रेन हेरिटेज का रूप दिलाकर कॉन्वेंट स्कूलों से बेहतर संसाधन मुहैया कराए और स्कूल का नामांकन 30 से बढ़ाकर 450 तक पहुंचा दिया। अब मासूम सनी की मदद करने की जो पहल की है वह काफिले तारीफ है। राजेश शर्मा जैसे शिक्षक हर स्कूल में हो तो सरकारी स्कूलों की दशा ही बदल जाए। इस मौके पर उन्होंने अपनी ओर से भी छात्र सनी के लिए 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दिए जाने की घोषणा की। समाज सेवी डॉक्टर अतल सिंह बघेल ने कहा कि सरकार की ओर से एकीकरण में स्कूल बंद कर पड़ोसी स्कूल में मर्ज कर दिया था। कुछ महीनों बाद शेरपुर स्कूल पुनः खुला तब प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा ने अपने वेतन के साथ भामाशाह की मदद लेकर शेरपुर स्कूल को सरकारी स्कूलों के लिए रोल मॉडल बना दिया है। मेरे विद्यालय में 2 दिन पूर्व एक अभिभावक अपने नाती को लेकर आए जिसका नाम सनी कुशवाहा था। उसके माता पिता दोनों एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। निश्चित रूप से किसी मासूम के सर से माता पिता का साया उठ जाए तो ये उस बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। ऐसे में इस बच्चे का मैंने कक्षा 6 में एडमिशन कराकर एक छोटी सी पहल कर उसके लिए 11,000 की FD जमा कराई है और मेरी कोशिश है कि जब तक मैं शेरपुर स्कूल में पोस्टेड रहूँगा इस बच्चे की समूची पढ़ाई का खर्चा मैं उठाता रहूँगा। इसके अलावा मैं सभी समाज सेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह करता हूं कि इस माता पिता को खो चुके एक बच्चे जिसके नाना नानी इसकी पालन पोषण कर रहे हैं वो भी बेहद गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, इसकी मदद को आकर इनके जीवन संभालने के लिए आगे आना चाहिए।
धौलपुर जिले के सेंपू थाना क्षेत्र के बसेरी मार्ग पर खपरेला गांव के नजदीक बुधवार की रात को पुरानी रंजिश को लेकर तीन बाइक सवार युवकों पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मामूली रंजिश को लेकर लाठी डंडे एवं सरियों से हमला कर दिया। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक घायल को हेल्थ सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बसेरी थाना क्षेत्र के गाँव नगला रायजीत निवासी 22 वर्षीय विशाल पुत्र राम नरेश, राघवेंद्र पुत्र और रमन पुत्र लोकेंद्र सिंह निवासी तसीमो एक बाइक पर सवार होकर बुधवार की रात को तसीमो गांव जा रहे थे। विशाल अपने रिश्तेदार रमन को छोड़ने जा रहा था। मामूली रंजिश को लेकर तीन बाइक पर करीब 8 लोग बसेड़ी सड़क मार्ग पर घड़ी लज्जा गांव के पास घात लगाए बैठे हुए थे। बाइक सवार विशाल, राघवेंद्र और रमन ने जैसे ही घड़ी लज्जा गांव को क्रॉस किया तो घात लगाए लोगों ने चलती बाइक पर पीछे से हमले शुरू कर दिए। जान बचाने के लिए विशाल ने बाइक को भगाने का भी प्रयास किया था, लेकिन खपरेला गांव के पास हमलावरों ने अपनी बाइक को आगे खड़ा कर रोक और तीनों युवकों को सड़क पर पटक लिया। आरोपियों ने लाठी डंडे पत्थर एवं सरियों से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिए। तीनों युवकों को अधमरा छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही गांव नगला का राजीत परिजनों को हुई तो हड़कंप मच गया। परिजनों ने तीनों को नाजुक स्थिति में सेपऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर विशाल पुत्र राम नरेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि रमन की हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। उधर घटना की सूचना पाकर स्थानीय सेपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना से परिजनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मृतक के परिजनों द्वारा नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर पेश कर दी है। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी में विशाल पुत्र राम नरेश एवं हमलावरों में सोशल मीडिया पर कमेंट्स को लेकर रंजिश चली आ रही थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों में तनातनी देखी जा रही थी। आपत्तिजनक टिप्पणी एवं कमेंट को लेकर फिलहाल पूरे मामले को देखा जा रहा है। इसके बावजूद घटना के हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हुई, जिसका नाम विशाल चनौक रामदेश है। मृतक के पिता की तरफ से तहरीर दी गई, जिसका मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सर, निवासी कहाँ का है? निवासी टंगला राजीव थाना से। घटना कहाँ की है? घटना है ये घड़ी लज्जा मंदिर के पास। सनातन धर्म यात्रा के 10वें पड़ाव के अंतर्गत धौलपुर के एबीएन कॉन्वेंट स्कूल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस में कथा सुनाते हुए पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज ने आज ब्रह्मा जी द्वारा कृष्ण के बछड़े चुराने की कथा सुनाई। भाई श्री ने कहा कि भगवान कृष्ण ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में गोचारण करके दुनिया को गो सेवा का संदेश दिया। गौ माता भगवान कृष्ण की आराध्य थी। उन्होंने कहा कि कृषि में बचा हुआ कचरा खाकर गाय हमें अमृत तुल्य दूध दही घी देती है। यही गाय के भगवान होने का प्रमाण है। गाय का गोबर मूत्र भी औषधि का कार्य करती है। भाई श्री ने चीरहरण कथा सुनाते हुए महिलाओं को तीर्थ स्थान की मर्यादा का संदेश दिया। महाराज ने कहा कि माताओं को घर में स्नान के बाद भोजन बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे भोजन करने वाली की बुद्धि सात्विक होती है। भाई श्री ने गोवर्धन लीला रास पंचायत तथा कथा का श्रवण कराया। आज कथा में विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने पधार कर पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज का सम्मान किया। विधायक का सम्मान बीरेंद्र त्यागी, श्रीमती कुसुम त्यागी व विप्र सेना जिलाध्यक्ष पार्षद पंडित शर्मा ने किया। आज प्रातः वैदिक यज्ञ में मुकेश त्यागी टूंगला ने यज्ञ में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक बाइक सवार की तेज रफ्तार जीप की चपेट में आने से मौत हो गई। बाइक सवार बुजुर्ग की मौत के बाद हार्डकोर अपराधियों को लेकर धौलपुर आ रही कंचनपुर थाना पुलिस की मदद से बुजुर्ग को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बाइक सवार बुजुर्ग को मृत घोषित करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी मोहन लाल ने बताया, बाड़ी के कसौटी खेड़ा गाँव के पास का रहने वाला बुजुर्ग रमेश 50 वर्षीय अपनी दवाई लेने के लिए धौलपुर आ रहा था। इसी दौरान जिला परिषद के पास तेज रफ्तार में आती थार जीप में उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इसी दौरान कंचनपुर हार्डकोर अपराधियों को लेकर धौलपुर आ रही पुलिस की जीप घायल को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे मृतक के भाई लखन लाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद मृतक के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। हादसे के बाद पुलिस मौके से फरार हुई जीप की तलाश करने में जुट गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस की जीप से बताया एक्सीडेंट, वहीं घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बाइक सवार का एक्सीडेंट कंचनपुर थाने की सरकारी जीप से बताया गया है, जिसको लेकर मृतक के भाई ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हाँ सर, जोड़ वाली माता के पास रमेश नाम के व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। उसके परिजनों ने सफेद रंग की थार गाड़ी से एक्सीडेंट होना बताया है। प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी।
धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने युवक का किडनैप कर कार लूटने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी जीतू गुर्जर बसईडांग थाना क्षेत्र के उन जंगलों में मिला है जहां पुलिस और डकैतों के बीच कई बार फायरिंग हो चुकी है। पुलिस आरोपी से डकैतों से संबंध को लेकर पूछताछ कर रही है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि 14 दिन पहले 23 जून को भरतपुर के रहने वाले चंद्रशेखर और रवि नाम के युवक सोशल मीडिया के जरिए अपनी स्विफ्ट कार को बेचने के लिए धौलपुर आए थे। इस दौरान आरोपियों ने कार खरीदने के ने उनको बाबू महाराज के मंदिर के पास बुला लिया, जहां चार आरोपियों ने कार में मौजूद भरतपुर के रहने वाले युवक चंद्रशेखर को मारपीट कर कार के नीचे उतार दिया। इसके बाद आरोपियों ने युवक की जेब में रखे मोबाइल और 13,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद आरोपी कार में मौजूद दूसरे युवक रवि को कार के पीछे की सीट पर पटक कर ले गए। थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि चंद्रशेखर ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और 2 घंटे बाद ही पार्वती नदी के बिहड़ों से कार और किडनैप हुए युवक को डिटेन कर लिया। हालांकि आरोपी भागने में कामयाब हो गए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि गुरुवार को बड़ी संख्या में पुलिस जवानों के साथ बसईडांग के जंगलों में दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी जीतू गुर्जर निवासी कंचनपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से उसके फरार साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव चौकी कापुरा में खेत में काम कर रहे मामा भांजे की हाईटेंशन लाइन का तार ऊपर गिर जाने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिजनों में हाहाकार मच गया। पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने विद्युत निगम के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चौकीपुरा गाँव में 40 वर्षीय कल्ला और 18 वर्षीय उसका भांजा सौरव खेत में काम कर रहे थे। ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का तार स्पार्किंग होकर अचानक ऊपर दोनों के गिर गया। घटना से मौके पर चीख पुकार निकल गई। घटना को देखकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लाइन का शटडाउन लेकर मामा भांजे को झुलसी अवस्था में परिजनों द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर दोनों को मृत घोषित कर दिया। मामा भांजे को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजनों में मच गया।